Hi everyone, this is Jenny from Rancelab. Welcome to our YouTube channel. Today is our topic about inventory margin mix. So, चलिए हम start करते हैं. हमें जाना है warehouse management में, analysis tools में, then inventory margin mix में. जैसे ही हम report open करते हैं, तो हमारे सामने ये screen open होती है. सबसे पहले हमारे पास ये report आती है group wise, sub group. आता है देन प्रोडक्ट आते हैं परचेज क्वांटिटी परचेज कॉस्ट वैल्यू आती है परचेज इन परसेंटेज में आती है परचेज सेल प्राइस वैल्यू आती है परचेज मार्जिन आता है सेल की क्वांटिटी सेल को आती है इन कॉस्ट प्राइस में सेल दिखाती है हमें सेल प्राइस वैल्यू में सेल परसेंटेज में सेल मार्जिन में स्टॉक क्वांटिटी स्टॉक इन कॉस्ट प्राइस वैल्यू में स्टॉक परसेंटेज स्टॉक इन सेल रेट में वैल्यू दिखाती है उसकी स्टॉक मार्जिन आता है लास्ट में ये परचेज आ रही है 1% में 7% परचेज सेल प्राइस वैल्यू 5000 ये जब हमने सेल किया तो इसकी वैल्यू हमें कितनी है सेल करते टाइम इसकी वैल्यू हमें कितनी 5000 इसकी वैल्यू है परचेज में मार्जिन कितना है हमें 31 सेल्स क्वांटिटी हमारी जो क्वांटिटी सेल हुई है उसका क्वांटिटी 190 सेल कॉस्ट में कॉस्ट प्राइस वैल्यू देन क्या था सेल 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 प्राइस वैल्यू देन सेल्स इन परसेंटेज तो सेल्स पे पूरे परसेंटेज में 0.23 सेल पे मार्जिन कितनी सेल की है उसका मार्जिन यहाँ हमारे पास आया था ये परचेज मार्जिन देन सेल में मार्जिन देन स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक है 392 स्टॉक कॉस्ट प्राइस वैल्यू 50,000 इज रेट स्टॉक परसेंटेज 0.67 एंड देन हमारे सत्य स्टॉक वैल्यू सेल रेट द प्राइस देन ये है स्टॉक मार्जिन ये जो टोटल स्टॉक है उसका हमें मार्जिन कितना आया तो जो इन्वेंट्री मार्जिन मिक्स की जो रिपोर्ट है ये बेसिकली हमें बताती है परचेज की जो हमारा परचेज मार्जिन बताती है हमें परचेज का वैल्यू में मार्जिन बताती है परचेज का परसेंटेज में मार्जिन बताती है देन साइड हमें बताती है सेल वैल्यू में मार्जिन बताती है सेल का परसेंटेज में मार्जिन बताती है और वन हमें स्टॉक का वैल्यू में मार्जिन बताती है और स्टॉक परसेंटेज में ये मार्जिन बताती है हमें ये परचेज सेल स्टॉक कॉस्ट प्राइस सभी का अमाउंट और परसेंटेज वाइज ये मार्जिन बताती है हमारे सॉफ्टवेयर में जितना भी स्टॉक है कितने की सेल हुई कितना हमारे पास परचेज किया है कितना स्टॉक में सभी का ये मार्जिन बताती है तो ये हमारे लिए रिपोर्ट बहुत ही फायदेमंद है इससे हम देख सकते हैं कि हमें परचेज करते टाइम कितना मार्जिन हुआ सेल करते टाइम देन कॉस्ट में कितना मार्जिन आया देन अगर आप कोई अदर फील्ड ऐड करना चाहते हो तो एंड प्लस F3 आप प्रेस करके बताने में हमारी हेल्प करती है ये देखिए अभी मैंने एक्सपेंड किया
I hope ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. तो आज हम इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं. अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.